To simpy classes. So in last video, we have discussed about the five characteristics of uh, living being. So in this video, I am going to discuss taxonomical aids. Okay, so last video me I, I have covered all the topics from um, what is living to taxonomical or taxonomic category. यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे अब इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स ओके सो चलो बात करते हैं टैक्सोनोमिकल एड्स के बारे में टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है टैक्सोनोमिकल एड्स मीन्स इट इज़ ए बायोलॉजिस्ट हैव इस्टाब्लिश ए सटन प्रोसीजर एंड टेक्निक्स टू स्टो एंड प्रिजर्व दट इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसमैन टू प्रिसर्व तो इसका मतलब कि ये एक प्रोसीजर है नहीं तो इट इज़ ए टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिसर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेस We ha you have seen in biology lab when you are uh, going uh, or entering in biology you have seen some specimen which is stored uh, anim uh, some animal parts and also some plants like leaves uh, and uh, stems all are stored all are what in a solution uh, so we call that specimen okay so uh, taxonomical aids means it is a टेक्निक और प्रोसीजर टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसमैन ओके अब हम बात करते हैं डोमिन ऑफ लाइफ डोमिन ऑफ लाइफ एक्चुअली प्रपोज्ड बाई हुम कार्लस बोस कार्लस बोस प्रपोज किया था डोमिन ऑफ लाइफ इन नाइनटीन नाइनटी ओके ही ऑल्सो प्रपोज्ड सिक्स किंगडम एंड क्लासिफिकेशन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म सिक्स किंगडम क्लासीफाई uh, किया था फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट थ्री डोमेन्स आर वाट आर की दैट मीन्स आर की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया दैट मीन्स मोनिया एंड यू बैक्टीरिया दैट इज प्रोटेस्टा ये सब कमिंग अंडर द वाट आर की यू आर की बैक्टीरिया आर कमिंग अंडर द आर की यू बैक्टीरिया आर कमिंग अंडर द मोनरा एंड यू कैरी आउट और यू कैन सी यू कैरी ओटा आर कमिंग प्रोटिसट कमिंग अंडर यू कैरीओटा सो दिस आर द वॉट थ्री डोमिन्स हु प्रपोज्ड कार्लस वोस इन नाइनटीन नाइंटी एंड ही ऑल्सो प्रपोज दिक्कस किंगडम क्लासिफिकेशन फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम ओके सो लेस अब बात करते हैं टेक्सोनोमिकल एड्स कितने प्रकार के हैंडर डेट मीन्स हाउ मच मीन्स टेक्सोनोमिकल एड्स कंटेन थ्री टाइप्स ऑफ वाट टेक्सोनोमिकल एड्स आर थ्री टाइप्स फर्स्ट हर्बैरियम बोटानिकल गार्डन एंड म्यूजियम ओके सो अब सो अब बात करेंगे हर्बेरियम हर्बेरियम मीन्स इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ ड्राई प्रस्ट एंड प्रिस प्लांट स्पेसिमेन ऑन शीट ये क्या है इट इज़ स्टोर ऑफ स्टोर हाउस ऑफ आर ट्राई प्रिस एंड प्रिस प्लांट स्पेसिमेन ऑन शीट एंड इसका जो साइज़ है साइज ऑफ़ हर हरबेरियम का हरबेरियम शीट का साइज़ होता है वन पॉइंट सॉरीवन पॉइंट फाइव इंटू सिक्सटीन पॉइंट फाइव इंचस ये इंपॉर्टेंट है ये कभी का uh, कभार पूछ लेता है इसलिए प्लीज अंडरलाइन इट ओके okay. सो साइज ऑफ हरबेरियम शीट इज़ इलेवन पॉइंट फाइव इंटू सिक्सटीन पॉइंट फाइव इंचस अब बात करते हैं बोटैनिकल गार्डन बोटैनिकल गार्डन मीन्स इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस और यू कैन से सो बोटैनिकल गार्डन है जो कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स है दैट मीन्स प्लांट स्पीशीज जो होते हैं इन द गार्डन्स आर Uh, जो प्लांट स्पीशीज है इन द गार्डन उसको एक यू नो फ्यूचर यूज़ के लिए इसलिए प्लांट को प्लांट uh, स्पीशीज को ग्रो करता है इन इन द गार्डन फॉर वाट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए फॉर स्टडीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली दैट मीन्स यू कैन से ये इसलिए प्रिजर्व करके रखा जाता है प्लांट्स को क्योंकि फॉर फ्यूचर स्टडी नहीं तो उस पर स्टडी कर सके यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ ओके इसलिए वो uh, uh, इसलिए वो प्लांट्स को क्या करते हैं प्रिजर्व करके रखते हैं इन ए गार्डन यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट प्लांट स्पीशीज इन दिस गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज एंड ईच प्लांट इसबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटैनिकल और साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली दैट पॉइंटो यू कैन इंक्लूड इफ यू वांट ओके अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो बोटानिकल गार्डन का एग्जाम्पल क्या है लाइक इंडियन बोटानिकल गार्डन ओके इंडियन बोटानिकल गार्डन इन हावड़ा दैट मीन्स एंड एटर नेशनल बोटानिकल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन वेयर इन लखनऊ ये सब कहाँ सीटबल है कहाँ प्लेसड है दैट ऑल्सो हैव टू रिमेंबर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इट इज सूटेबल दैट मीन्स प्लेस्ड और ओकेफ यू वांट यू कैन रीड द टेक्सट आई रोट ओनली टू एग्जाम्पल नो थ्री एग्जाम्पल इफ यू वांट यू कैन सी फ्रॉम द टेक्सट बुक ओके Then, अब बात करते हैं हम जुलाजिकल पार्क सो so, जुलाजिकल पार्क तो जुलाजिकल पार्क मीन्स फ्रॉम वर्ड्स इट इट्स एल्फ यू कैन अंडरस्टूड दैट जुलाजिकल दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू वट एनिमल वाइल्ड एनिमल तो जुलाजिकल पार्क इसलिए होता है इस ए प्लेस वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन ए प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट वाइल्ड एनिमल को एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रखा जाता है इसलिए ज़ुलॉजिकल पार्क इट्सो एट एक्सोनोमिकल इट्स ओके एग्जाम्पल अगर देखें तो अलीपुर आलि, जू कोलकाता वेस्ट बंगाल आई गिव गिवान एग्जाम्पल ऑनली इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक सम अदर समर एग्जाम्पलो टेक्स्ट uh, बुक में दिया है एग्ज़ाम्पल आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं okay. ओके uh, मैंने इसलिए एग्ज़ाम्पल नहीं लिखा है क्योंकि uh, कोई स्टूडेंट होता है जो टेक्स्ट बुक पढ़ना पसंद नहीं करते इसलिए उसके लिए ये मतलब कि तभी वो uh, मतलब बुक निकाल के देखेंगे और रीड करेंगे ऐसे कोई कोई बच्चा होता है तो यू नो उतना टेक्स्ट रीड नहीं करते हैं इसलिए उस स्टूडेंट के लिए जो टेक्स रीड नहीं करते हैं दे कैन सी वट दिस एग्जाम्पल इन टेक्स्ट बुक सो डैट दे कैन अल्सो रीड अदर एरियाज विच आर इम्पोर्टेंट ओके अब बात करते हैं कीस कीस क्या है इस यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी की मतलब कि प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफिकेशन करता है कौन सा बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ओके की मींस इट इज अ टैक्सोनॉमिकल एड एड बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर कॉल्ड एज कपलेट तो व्हाट इज की से टैक्सोनॉमिकल एड्स ओके टैक्सोनॉमिकल एड्स बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिकाइज किस पर बेस्ड करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर बेस्ड करते हैं सो इट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज कपलेट कपलेट आर टू टाइप कपलेट आर टू टाइप लेड एंड कपलेट आर क्लासीफाइड इन टू टाइप कपलेट हैज़ टू अपोजिट स्टेटमेंट ईच कॉल लेड दैट मीन्स लेड मीन्स व्हाट टू अपोजिट स्टेटमेंट हो हो ओके कपलेट हैज़ टू अपोजिट स्टेटमेंट ईच कॉल ड एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक कैरेक्टर नंबर वन टॉल एंड ड्राफ्ट दे आर अपोजिट स्टेटमेंट दैट मीन्स दे आर अपिट इन कैरेक्टर और यू कैन टेक अदर एग्जाम्पल लाइक एबसेंट एंड प्रेसेंट देर ऑल्सो इन अपोजिट स्टेटमेंट ओके सो दिस आर एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग आई रोड दिस एग्जाम्पल एंड ये दिसपरेट कीपरेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी नीडर डेट मीन्स की है जो डिफरेंट कीस नीड फॉर सेपरेट टैक्सनो हर टेक्सोनिक कैरेक्टर के लिए सपरेट कीस चाहिए डैट मीन्स वाट डैट मीन्स ऑल्सो वाट इसलिए तो आपको समझ में आ गया होगा कपलेट क्या है ओके सो कीस आर नीड आर डिफरेंट सपरेट फॉर सपरेट टोमिक कैटेगरी ओके कि इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स भी हैं यू 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 इफ इफ विल रीड द टेक्स्ट यू कैन अंडरस्टैंड द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वन मार्क के वन मार्क क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस एरिया से ओके okay, एग्जाम uh, जो भी स्कूल में एग्जाम लेते हैं उसमें ये वन मार्क वन मार्क क्वेश्चन मीन्स पूछ सकते हैं वी कान प्रेड ओके सो so, कीस uh, के बारे में तो हम पढ़ लें वाट इसकी अब कीस के अंडर अंडर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बताने जा रही है फ्लोरा ओके अगर बात करें फ्लोरा फ्लोरा मीन्स इट इज़ इंडेक्स टू प्लांट स्पीशीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया इट इज़ ए वाट इट इज़ ए फ्लोरा मीन्स इट इज़ ए इंडेक्स टू प्लांट स्पीशीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया वो है ओके इफ़ यू वॉन्ट यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट मैनुअल्स अगर हम बात करते हैं मैनुअल्स मीन्स इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ़ॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया ये किस लिए यूज़ होता है इंफॉर्मेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज़ इन एन एरिया मोनोग्राफी क्या है कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन वन टैक्सोन दैट मीन्स इट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन वन टैक्सोन एक टैक्सोन पर इंफॉर्मेशन कंटेन करता है

एम सी क्यू एम सी के क्वेश्चन इसलिए आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस फॉर डैट इफ यू विल गेट सम आइडिया मीन्स हाउ द क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम चैप्टर वन आस्किंग फॉर इन स्कूल फॉर डैट आई एम गिविंग ईच एंड एवरी वन मार्क क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक ऑफ चैप्टर वन ओके एंड उसके बाद

See my uh, videos regularly. Please subscribe and click the like button, and so only. So, guys, please keep on watching my videos, okay.